गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज वन, एक्सरसाइज 2.2. देन क्वेश्चन वन इज राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. आपको क्या करना है, इनको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है. 38 मीन्स 30 प्लस 8. 30 को क्या लिखेंगे आप? मैंने आपको रोमन काउंटिंग सेंड की है, ठीक है, उन्हीं से आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रिपेयर करनी है. तो ट्रिपल एक्स और 8 को क्या लिखते हैं आप? वी ट्रिपल आई. तो इनको जब हम मिलाएंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा हमारा? ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, ठीक है. इसी तरह से हमारा 92, तो 90 प्लस 2, 90 को लिखते हैं आप एक्स सी और 2 को लिखते हैं आप डबल आई, तो क्या हो गया एक्स डबल आई, ठीक है. इसी तरह से 138 है आपका, 100 प्लस 30 प्लस 8, यानी कि सी ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, तो सी ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, ठीक है. 380 मीन 380, तो ट्रिपल सी एल ट्रिपल एक्स, तो उसको मिला के लिख दिया, ये हो गया. इसी तरह से आपको ये सब करने हैं, ठीक है. आपको बस रोमन न्यूमरल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी तो आप नंबर्स खुद से बना ही लेंगे सारे, ठीक है. राइट दी फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. अगर रोमन न्यूमरल्स नहीं आएंगे आपको जब तक, तो आप आगे से नंबर फॉर्म नहीं कर पाएंगे. आपको रोमन न्यूमरल्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो देखिए, जैसे कि यह है 2345, ठीक है. तो हम 1000 के लिए, मैंने बताया था कि 1000 के लिए आप क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, ठीक है. जैसे भी अगर होता है एम लिखेंगे. अगर 2000 है तो क्या लिखेंगे? डबल एम, ठीक है. तो ये हो गया हमारा 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, तो मींस 2000 डबल एम, 300 मींस ट्रिपल सी, 40 मींस एक्सएल और 5 मींस वी. तो इनको सभी को प्लस एडिशन का, हम इस ऐड का सिंबल हमें हटाना है, बाकी सबको हम ऐसे ही लिख देंगे. इसी तरह से आपका 5634. अब देखिए, जब ज़्यादा नंबर बड़ा आता है, जैसे कि 5000 आया, तो 5 को क्या लिखते हैं आप? वी. अगर 5000 है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार, ठीक है. इसी तरह से अगर 6000 होता तो क्या लिखते हैं? 6 ऐसे लिखते हैं, और 6000 होता तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं आप? बार, ठीक है. ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है. 5000 प्लस 600 प्लस 330 प्लस 4, तो 600 को लिखते हैं आप डी सी ट्रिपल एक्स आई वी, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है. 3000 मीन्स ट्रिपल एम, 500 मीन्स डी, और 70 मतलब डबल एक्स एल डबल एक्स, और 8 मीन्स वी ट्रिपल आई, ठीक है. तो सभी को लिख देंगे ट्रिपल एम डी एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई, ठीक है. 6000 जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पर आपको, उसी तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म करना है नंबर, ठीक है. 23000 है देखिए, जैसे कि, तो 23 कैसे लिखते हैं आप? डबल एक्स ट्रिपल आई, तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है. और जैसे 20000 तो डबल एक्स, उसके ऊपर बार लगा देंगे. 29000 है तो डबल एक्स आई एक्स, तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है. ये अच्छे से याद रखना कि बार लगाना है आपको. 4000 के बाद 5000 आता है, उसके बाद बार लगाना स्टार्ट कर देंगे. 4000 से ही हम बार लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है. अब जैसे कि सी आई एक्स लिखा हुआ है, तो सी मतलब 100, आई एक्स मतलब 9, तो कितना हो गया? 109, राइट. इसी तरह से अब आपका यहाँ पर है एक्स एल एक्स, एक्स एल होता है आपका 40, एक्स होता है मतलब 10, तो 40 एंड 10 50, ठीक है. वैसे ना ये थोड़ा सा ना रॉन्ग है, इन्होंने दिया एक्स एल एक्स. अगर हमारे पास ओनली इन्होंने 50 को पूछा होता तो डायरेक्ट 50 ऐसे हो जाता, ठीक है. अब इसे रॉन्ग भी नहीं कह सकते हैं हम, और ना ही हम इसे राइट कह सकते हैं, ठीक है. ऐसा हमें नंबर फॉर्म करने के लिए बस ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से हम नंबर को ऐड करते हैं और फॉर्म कर देते हैं नंबर, ठीक है. सी डी एक्स एल एक्स, तो सी डी मीन्स 400, एक्स एल मीन्स 40 एंड एक्स मीन्स 10, तो 450, ठीक है. इसी तरह से आप इसे फॉर्म करेंगे, इसे करेंगे, सभी को इस तरह से कर लेंगे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन 4 इज राइट इन द राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक नंबर. इसमें क्या है? बार लगा हुआ है, ठीक है. तो देखिए एल डबल एक्स, यानी कि एल डबल एक्स कितना हुआ आपका? एल डबल एक्स कितना हुआ आपका? 57000. कितना हुआ आपका? 57000. और आई एक्स क्या हुआ आपका? 9, सॉरी. देखिए 57000 नहीं होगा, ये क्या होगा, एक मिनट. देखिए L डबल X है, L क्या होता है 50, और अगर ये डबल X है तो कितना हो गया ये 70, ठीक है. तो ये कितना होगा? 70000 होगा. ये 5 हटा देंगे बस इसमें से,
कितना हुआ ये 70,000, तो यहाँ पर क्या होगा ये आपका ये 70,009, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्स बार सी एल वी आई, एक्स बार मीन्स 10,000, सी मतलब 100, एल मतलब 50, वी आई मतलब 6, ठीक है, तो 10,156। इसी तरह से आई वी है तो यानी कि 40,000, आई वी है यानी कि 4,000, ठीक है, 4,959, सी एम है यहाँ पे तो ये 900 हो गया, एल है मतलब 50, तो 4,950, हम बीच में से इसको जीरो हटा देंगे, ठीक है। अब है आपका डबल एक्स आई एक्स यानी कि 29,000, डी एक्स यानी कि 600 और आई वी मतलब 4, तो 29,604, ठीक है। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे अब आगे। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड, थैंक यू।